डॉक्टर अलीजा जैदी और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ डर्माकोर स्किन हेयर क्लिनिक पे गोमती नगर लखनऊ में। आज मैं आप लोगों से एक्ने और उसके मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगी। एक्ने या मुहासे या पिंपल्स एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग हर एज ग्रुप के लोगों को इफेक्ट करती है, और इसको अब हम लोग एक प्यूबर्टी, हॉर्मोनल और ऐसे बहुत से कॉजेस के साथ एसोसिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्ने क्या है। एक्ने एक प्रॉब्लम है जो होती है क्योंकि हमारी जो स्किन के पोर्स हैं उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। अब ये ब्लॉकेज किस वजह से होता है, इसके कई कारण हैं जिसमें से जो कॉमन कॉजेज हैं, सबसे पहले उसमें आता है सीबम। सीबम है जो हमारा स्वेट और आपका जो अंदर से कलेक्शन होता है सीबेशियस ग्लैंड्स का, वो जो हमारी स्वेट और उसको प्रोड्यूस करता है उसको हम सीबम कहते हैं। उस सीबम से पोर्स क्लॉग हो जाते हैं जिसकी वजह से आगे जाके एक्ने होता है। दूसरा कॉज जो कॉमन कॉज है वो है बैक्टीरिया। बी एक्नेज एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एक्ने हमारी स्किन पे आता है और जल्दी फ्लेयर अप करता है। तीसरा कॉमन कॉज है डेड स्किन। क्या होता है, अक्सर स्किन की प्रॉपर क्लियरिंग ना होने की वजह से और एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन स्किन पे आने की वजह से स्किन पे डेड सेल का एक कलेक्शन सा बन जाता है जो इन पोर्स को क्लॉग करता है, जिसकी वजह से स्किन हमारी ब्रीद नहीं कर पाती एंड रिजल्ट्स इन एक्ने एंड पिंपल्स। चौथा कॉज है हेयर। अब इसमें ये दूसरा क्वेश्चन जो हमारा आता है कि एक्ने कितना कॉमन है। एक्ने जो है आपका 11 टू 30 इयर्स की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्ने हुआ है। अब एक्ने वैसे हम डिवाइड करें तो वो चार तरह का होता है जिस तरह से हमें दिखता है। सबसे पहले तो एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोमेडॉन्स, या जो सिंपल लैंग्वेज में उसको कहा जाए तो उनको कहते हैं ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स, जो कि यही जो मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पोर्स होते हैं या सीबम प्रोड्यूसिंग सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं उनकी क्लॉगिंग की वजह से होता है। अगर वो क्लोज्ड होते हैं तो वो व्हाइट दिखते हैं, अगर वो ऑक्सीडाइज जाते हैं तो वो ब्लैक हो जाते हैं, दैट जिसकी वजह से उनको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स नाम दिया गया है। दूसरा जो कॉमन कॉज आता है, दूसरा जो है वो है पैप्यूल। पैप्यूल एक रेड कलर के दाने जैसे आपके स्किन पे निकलते हैं, उनमें यूजुअली पस नहीं होता है, और अगर पस होता है तो देन वी कम टू द थर्ड कैटेगरी जिसको हम कहते हैं पस्ट्यूल्स। पस्टूल्स में मवाद या पस भरे दाने फेस पे आते हैं। जनरली जो ये दाने आते हैं ये आपके फोरहेड और चीक्स पे या जॉ लाइन पे आते हैं, बट ऐसा कुछ रूल नहीं है, ये आपके फेस पे कहीं पर भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि एक्ने सिर्फ फेस पे ही नहीं होता है, जहां जहां सेबेशियस ग्लैंड्स ज्यादा सेबेशियस ग्लैंड्स या सीबम प्रोड्यूसिंग सेल्स ज्यादा होते हैं वहां वहां पर एक्ने ज्यादा होता है, जैसे आपका ट्रंक पे हो गया, बैक पे हो गया, अपर आर्म्स पे हो गया, यहाँ पर भी एक्ने बहुत कॉमनली देखा जाता है। और इसकी सिवियरिटी डिपेंड करती है कि क्या कॉज है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, और किस एज में ये आपको इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि एज के बारे में बात करें और तो टीनेजर्स, यंग अडल्ट्स जो जिनमें मोस्टली हॉर्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, एंड्रोजेंस की एक्सेस होती है या प्यूबर्टी आ रही होती है, उनको एक्ने यूजुअली ज्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू दोज जो 20s या 30s में हैं आपने। अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ एक्ने जो है, वो फोर्थ टाइप ऑफ एक्ने जो है आपका नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने, जो गांठें जैसी आपकी स्किन के अंदर हो जाती हैं उनको हम लोग नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने कहते हैं। वो ऑफकोर्स ट्रीटमेंट उनका बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये आगे जाके एक रेयर कंडीशन है जिसमें फ्लेयर अप कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हम एक्ने कॉन्गोब्लेटा, बट इट्स एज आई सेड इट्स अ रेयर कंडीशन। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इफेक्ट होते हैं, जिसमें आपका अपर बैक हो गया, फेस हो गया, फोरहेड हो गया, शोल्डर्स हो गए, चेस्ट हो गया, यही वो सब एरियाज हैं जहां पर आपका सेबेशियस ग्लैंड ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पर एक्ने की होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट उस पर कि एक्ने के ट्रिगरिंग फैक्टर्स या कॉजेस क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमारा एक कॉज जो मैंने आपको जैसे बताया कि हॉर्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन हॉर्मोन्स स्पेशली टेस्टोस्टेरॉन्स, वो इसका मेन कॉज होते हैं। जो यंग अडल्ट्स या टीनेज ईयर्स होते हैं उस समय एक एक्टिवेशन ऑफ एंड्रोजन हॉर्मोन्स होता है जिसकी वजह से एक्ने होता है। इसकी ही इन एंड्रोजन्स ही जो होते हैं ये सीबम का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं जिसके स्किन की सर्फेस पे फैटी एसिड और ऑयल ग्लैंड दोनों ही साथ में काम करके एक लेयर से बनाते हैं जिसकी वजह से एक्ने बढ़ता है। दूसरा, उसके अलावा जो और कॉजेस एक्ने के हैं,
वो मतलब जो जिस वजह से एक्ने बढ़ सकता है और वर्स हो सकता है, उसमें से सबसे पहले तो फ्लक्चुएटिंग हॉर्मोन्स लेवल्स होते हैं। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी, जो आजकल फीमेल्स में देखी जाती है, जिसकी वजह से एक्ने के फ्लेयर्स होते हैं। मतलब अगर पीरियड्स की साइकिल्स के हिसाब से एक्ने बढ़ता घटता रहता है। दूसरा जो एक कॉमन प्रॉब्लम है जिस वजह से एक्ने और बढ़ता है, वो है कि लोग जो अपने एक्ने को और एक्ने मार्क्स को पिक करते रहते हैं, उनको आप नोचते रहते हो, अपने आप से फोड़ने की कोशिश करते हो, ऐसा बिल्कुल मत करिए। फिर क्लोदिंग या हेड गियर, जैसे कि हैट्स हो गए, स्पोर्ट्स में जो लोग होते हैं या जो हर समय कैप पहनते हैं, उनके लिए एक्ने का फ्लेयर ज्यादा होता है, बिकॉज वहां पर स्वेट और डस्ट का कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ता है। थर्ड ऑफ ऑल, एयर पोल्यूशन और कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें स्पेशली जो हाईली ह्यूमिड कंडीशन होती हैं उसमें, या उन जगहों में पीपल टेंड टू हैव मोर एक्ने एज कम्पेयर टू द वो दोज पीपल जो जो है आपका प्लेन्स में या ड्राई वेदर में रहते हैं। फिर आपका एक कॉज जो आता है वो ये है कि आप अपने स्किन केयर रेजिमेन में क्या यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है, बट एक्ने के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक रेंज नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स ही इसके एक्ने प्रोन स्किन वाले लोगों को यूज करना चाहिए, जिसमें आप, और इसी के फेलियर से ही एक्ने और बढ़ता है। जो लोग ऑयली, ग्रीजी या एक्सेसिव मॉइस्चराइजर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, विच आर नॉट फॉर देयर स्किन, विच आर नॉट रिकमेंडेड फॉर देयर स्किन, तो उन लोगों को एक्ने एक्ने फ्लेयर्स और उनका एक्ने और वर्स होता चला जाता है विद टाइम। फिर एक बहुत कॉमन कॉज है जो है स्ट्रेस। एज यू नो इज अ वेस्ट, हमारी सबकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तरीके का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस इंड्यूस एक्ने जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, इस वजह से एक्ने फ्लेयर करते हैं। देन अनदर पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्ने। अगर आपके पेरेंट्स को या ब्रदर सिस्टर्स में है, तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको भी एक्ने हो सकता है। फिर एक कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनपे लोग होते हैं जिनको जिसकी वजह से उनको एक्ने होते हैं, तो उन मेडिकेशंस के लिए भी हमें ध्यान देना चाहिए। देन कम टू ईटिंग हैबिट्स, एक्सेसिव ऑफ शुगर, एक्सेसिव ऑफ फैटी फूड्स, एंड टू सम एक्सटेंट अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक ज्यादा रखते हैं, तो उससे भी आपका एक्ने फ्लेयर होता है। तो अगर हम अपनी डाइट को मॉडरेशन में रखें, तो हम एक्ने के फ्लेयर को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हाइजीन जो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड ओवर एक्सफोलिएशन। डर्टी स्किन, गंदी स्किन है आपका, हर समय बाहर जाना है, पोल्यूशन है, डर्ट है, इसकी वजह से भी एक्ने आपके जो है उसकी वजह से भी बढ़ सकता है। उसके बाद आपका आता है कॉस्मेटिक्स। जैसे मैंने पहले बताया कि देयर इज अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स नॉन कोमेडोजेनिक जो आपके होना चाहिए, जो आपका एक्ने के फ्लेयर्स को प्रिवेंट करेंगे। फिर हम आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिवियरिटी ऑफ एक्ने, देयर इज फोर ग्रेडिंग्स ऑफ एक्ने दैट वी फॉलो। एक होती है माइल्ड, जिसमें आपका मैंने बताया ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पैप्यूल्स, पस्टूल्स होते हैं। ग्रेड टू है जो आपकी मॉडरेट कैटेगरी होती है, जिसमें लाल वाले दाने जिनको हम पैप्यूल्स कहते हैं, और कुछ मवाद भरे दाने होते हैं जिनको हम पस्टूल्स कहते हैं। ग्रेड थ्री में जो मॉडरेट टू सिवियर या मॉडरेटली सिवियर या नोडुलोसिस्टिक एक्ने होता है, इसमें पैप्यूल्स मतलब लाल वाले दाने कम हो ज्यादा होते हैं, मवाद वाले दाने भी ज्यादा होते हैं, कुछ थोड़े बहुत गांठें होती हैं। और ग्रेड फोर है सिवियर नोडुलोसिस्टिक एक्ने, जिसमें बहुत ही ज्यादा पेनफुल और बहुत बड़े बड़े मल्टीपल मवाद भरे दाने और गांठें होती हैं आपके फेस पे। अगेन दैट कम्स टू द डर्मेटोलॉजिस्ट के वो आपको उस हिसाब से कैसे कैसे करके उसमें आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। अच्छा, अब हम अगर इसके बारे में आए कि एक्ने के मैनेजमेंट में, तो एक्ने के मैनेजमेंट में हम तीन कैटेगरीज में अपना मैनेजमेंट दो कैटेगरीज में ब्रॉडली रखते हैं, एक तो टॉपिकल, एक ओरल। टॉपिकल में हम मोस्टली यूज करते हैं बेंजोल परोक्साइड को, जो एक ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है। बेसिकली बेंजोल परोक्साइड जो है वो आपका सरफेस बैक्टीरिया को अटैक करता है, जो एक्ने को एग्रेवेट करती है। दूसरे नंबर पे है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड भी आजकल ओवर द काउंटर क्लेंजर्स में, लोशंस में, सीरम्स में अवेलेबल है। ये बेसिकली जो डेड स्किन होती है उसको डिजोल्व करता है और हेयर फॉलिकल्स को क्लॉग होने से बचाता है। द थर्ड थिंग विच कम्स इज एजिलिक एसिड, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है आपके फेस पे, जितने भी गंदगी और छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारता है, स्वेलिंग को कम करता है। देन वी कम टू रेटेनॉइड्स, विटामिन ए के जो डेरिवेटिव्स हैं ये क्लॉगिंग को प्रिवेंट करते हैं, और उसके बाद ए प्रिवेंट बाय ब्रेकिंग अप दी ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स।
और ये थेरेपी जो है मोस्टली हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होता है कि देयर इज अ चांस कि थोड़ी बहुत इरिटेशन हो सकती है फेस पे। सो एज आई सेड बिफोर कि आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट में रह के और उनकी एडवाइस और गाइडेंस के अंदर ही इन सब प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। देन वी कम टू ओरल थेरेपीज। ओरल थेरेपीज में वी स्टार्ट ऑफ विद एंटीबायोटिक्स जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, अजिथ्रोमाइसिन या मीनोसाइक्लिन, लाइमीसाइक्लिन, ये देते हैं। अगर हार्मोनल कॉजेज होते हैं देन वी स्विच ओवर टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू कंट्रोल द हार्मोन फ्लेयर ताकि हम एक्ने को और इजीली कंट्रोल कर पाए। एंड इन केसेस ऑफ सिवियर या मॉडरेटली सिवियर एक्ने हम आइसोट्रेटिनोइन के बारे में सोचते हैं। आइसोट्रेटिनोइन अनदर विटामिन ए एनालॉग विच इज सेफ टू बी गिवन, बट येस ऑफ कोर्स उसका एक एक ही एक साइड इफेक्ट है जो है टेराटोजेनेसिटी। इसीलिए हमें पहले फीमेल्स में देने से पहले थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए ताकि हम उनकी रिप्रोडक्टिव ईयर्स और रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री प्रॉपरली लें, तभी हम इसको आगे दे सकते हैं। इसके अलावा अदर थेरेपीज विच कैन बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद मेडिसिन इज हम लो पोटेंसी स्टेरॉइड्स टू इन फॉर टू जस्ट टू रिड्यूस द फ्लेयर, जो एकदम फ्लेयर वाली कंडीशन होती है उसको कम करने के लिए हम लो पोटेंसी स्टेरॉइड्स या लेजर्स या केमिकल पील्स को हम यूज कर सकते हैं। केमिकल पील्स आगे जाके स्कारिंग का रिस्क भी कम करती हैं एंड लेजर्स आर मोस्टली यूज्ड टू प्रिवेंट टू ट्रीट दी एक्ने स्कारिंग। थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, कैन आई स्टार्ट अगेन? ये तो डायरेक्ट हेलो हेलो, यस यस, एक्चुअली आई टुक अ पॉज, एक एक सेकंड पार्ट है उसका। हाँ हाँ ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके ओके, देन वी कम टू व्हाट अदर टाइप्स ऑफ स्कारिंग, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्ने। अब एक्ने जिनको होता है चाहे वो डार्क स्किन के हों या लाइट स्किन के हों, कुछ ना कुछ उनको कॉम्प्लिकेशंस साथ एसोसिएटेड रहती हैं। जैसे सबसे कॉमनली होती है स्कारिंग। एक्ने पिक करने की वजह से तीन तरह के स्कार्स होते हैं, बॉक्स स्कार्स, आइस पिक स्कार्स या पिटेड स्कार्स। उसके अलावा जो अदर चेंजेस जो स्किन में देखे जाते हैं वो है स्किन या तो डार्क हो जाती है या लाइट, जिसको हम हाइपोपिगमेंटेशन एंड हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, और इस इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए ही टाइमली ट्रीटमेंट जरूरी है। अब जो रिस्क फैक्टर्स हैं एक्ने के, वो है उसमें एक्ने का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो है एज, एज मैंने आपको बताया कि इट्स मोस्ट कॉमन इन टीनेजर्स। फिर हॉर्मोनल चेंजेस में इट इज मोर कॉमन इन प्यूबर्टी या प्रेगनेंसी के टाइम पे जब हॉर्मोन्स का फ्लेयर होता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ऑफकोर्स फैमिली हिस्ट्री में भी जिन पेशेंट्स को एक्ने होता है उनको, जिनके बच्चों को, पेरेंट्स को एक्ने होता है, उन बच्चों में एक्ने डेवलप होना बहुत लाइकली है। फिर यूज ऑफ ग्रीजी एंड ऑयली सब्सटेंसेस और एक्सेसिव फ्रिक्शन टू द स्किन या प्रेशर, जैसे आपका यूजेज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फोन है, सेल फोन्स है, हेलमेट्स हैं, टाइट कॉलर्स हैं या कुछ हेड गियर है या बैकपैक, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। मॉरल मतलब इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से कि एक्ने एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अब ये हर एज ग्रुप में, जैसे एज आई सेड ऑलमोस्ट एवरी एज ग्रुप इसको इससे इफेक्टेड है। और द बेस्ट पार्ट इज कि अब हमारे पास इतनी अच्छी मेडिसिन हैं एंड वी हैव सो मेनी थेरेपीज जिससे हम इसको, उसका फ्लेयर और उसके कॉज को इजिली ट्रीट करके इसको स्कारिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।